आप इन दो पात्रों को देख रहे हैं? मेरे इस पात्र में जल है और ये पात्र मिष्ठान से भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे, परंतु देखिए, मिश्री को जल में मिला दिया, जल ने मिश्री को अपना लिया, मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया, परंतु जल को अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। परंतु जो इस जल को चखेगा उसे अवश्य पता चल जाएगा कि ये जल अब वो जल नहीं रहा, ये अब शरबत बन गया। हमारा त्याग, हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते हैं। जो इस बात को अनुभव करते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, अभी तो उनका बलिदान संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। बचा मेरे मित्र के प्राण, बदले में चाहो तो तुम मेरे रक्त से भी अपने केस धो सकती हो। मेरा रक्त ले लो, मेरा मित्र मुझे दे दो। मेरा मित्र जा रहा है, रोक लो इसे। क्षमा भी मांग ली मैंने, ले लो, पर मुझे मेरा मित्र लौटा दो। अरे कोई है जो मेरे मेरे मित्र के प्राण बचा ले। वासुदेव, मैंने सदा तुम्हें चलिया कहा, परंतु पूरा संसार तुम्हें ईश्वर मानता है ना? तुम यदि सत्य में ईश्वर हो, मुझे मेरे मित्र के प्राण दे। मैं प्रार्थना करता हूं तुमसे, प्रार्थना करता हूं, मैं ये दुर्योधन हाथ छोड़कर आपके चरणों पर बैठकर आपसे आपसे विनती करता, मेरे मेरे मित्र के प्राण लौटा दो वासुदेव, मेरे मित्र के प्राण लौटा दो। मैं वासुदेव, मैंने कहा था ना आपसे कि मेरा चैन उचित था, उचित था मेरा चैन। स्वजन्म भी लूंगा ना, तभी यही मेरा चैन होगा। मैं
मैं अपने मित्र को ही चुनूंगा। नहीं मित्र, ऐसा मत बोल, मुझे छोड़ के मत जाओ मित्र। मेरा साथ दिया, मुझे अपनाया है। मैं संतुष्ट होकर अपने प्राण छोड़ रहा हूं। आज तुमने अपने गुरु परशुराम द्वारा दी गई शस्त्र और शास्त्र की विद्या का मान रखा कर मैं धन्य हो गया। मुझे प्रसन्नता है, मैं भले ही चिरंजीवी था परंतु तुम मृत्युंजय हो गए हो महारथी कर्ण। मृत्युंजय, मृत्युंजय। तुम्हारे जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न कभी इस धरा पर हुआ है और ना ही कभी होगा, ना ही कभी होगा, ना ही कभी होगा। तुम्हारे जैसे दानवीर को ये संसार सदैव स्मरण करेगा। आज तुमने मेरे पृथ्वी पर आने के कारण को सफल कर दिया कर्ण। तुमने रणभूमि में कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र, कोई भी कवच, कोई भी ढाल अपने सामने सबको निरस्त कर दिया, अपने सामने उसे शूद्र सिद्ध कर दिया। तुम श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ होकर, सर्वश्रेष्ठ आज तुम अधिकारी बन गए हो कि तुम्हारे गुरु तुम्हें प्रणी पात्र दे। तुम्हारा कल्याण हो। संसार में दो ही अवसर ऐसे होते हैं जब मनुष्य किसी को स्वयं से आगे निकलता हुआ देखकर प्रसन्न होता है। गर्वित होता है। पहला अवसर जब शिष्य गुरु से आगे निकल जाए और दूसरा अवसर जब पुत्र का यश पिता के यश से ऊंचा उठ जाए। आज मेरे पुत्र कर्ण ने अपने पिता सूर्य का तेज कई गुना बढ़ा दिया। मुझे गर्व है कर्ण कि तुम मेरे अंश हो। इस संसार में जब तक मैं रहूंगा
तुम्हारे शौर्य का तेज चमकेगा। समय आ गया है सखा। अरे बर के कदाचित अब तुम्हें आभास हो गया होगा यह युद्ध अनायास था। अब इस युद्ध को रोक देना चाहिए। नहीं पितामह, कदाचित अभी विश्वास हो गया है कि यह युद्ध आवश्यक था। और है भी पितामह, आज आपके आपके वंश का
पहला दीपक बुझ गया पितामा। कर्ण, आप भी जानते थे कि कर्ण मेरा चेष्ट, फिर भी आप मान रहे क्यों? क्यों पितामह? विष पीकर भी जिसके मुख पर मुस्कान हो, उसका भेद खोलकर उसके बलिदान का अपमान नहीं किया जाता पुत्र। मैं कर्ण के बलिदान का अपमान कैसे करता? इसी कारण अपने रहते मैंने उसे युद्ध से दूर रखा। मैं नहीं चाहता था कि एक भाई दूसरे भाई को नहीं। ना आप समझे, ना माता कुंती समझे, और ना ही वासुदेव। कदाचित आप लोगों ने बता दिया होता कि कर्ण हमारा ज्येष्ठ है, तो सौगन गुरु बलराम की पितामह मैं संसार का सारा राज्य उसे दे देता। क्यों नहीं बताया पितामह आपने? क्यों? युवराज, अंगराज का अंतिम संस्कार होने को है। तैयार यदि तुम आने को, प्रसन्न मुख द्वार खुला है तेरा स्वागत, वीर खड़ा द्वारे अभयागत। बाहे फैला के मुस्कुरा के करता अपने अतिथि का स्वागत। वीर गति पाके एक बालक आया तेरे आंचल छाया। क्यों ईश्वर, क्यों स्त्री को ये शक्ति दी कि वो कोई भी बात छिपा कर रख सके? पहले संतान को 9 महीने अपने गर्भ में रखे, फिर अपने संतान से जुड़े सत्य को अपने मन के गर्भ में रखे। अगर मैंने जीवन में कोई भी पुण्य किया तो मेरी प्रार्थना सुन ले कि आज के पश्चात कोई भी स्त्री कोई भी रहस्य ना छुपा सके। Thank you.
पुण्वे पीतर पर्युः। किस अधिकार से तुम इसका अंतिम संस्कार कर रहे हो? कौन लगता कौन है तुम्हारा? कुछ क्षण पहले पता चला कि इसका और तुम्हारा रक्त एक है, तो तुम्हें अधिकार मिल गया कि तुम इसका अंतिम संस्कार कर दोगे। नहीं युधिष्ठिर, इसका अंतिम संस्कार करने का अधिकार उसको है जिसके लिए इसने अंतिम सांसें ली, और वो मैं हूं। मेरे माता पिता देख नहीं सकते, परंतु उनकी आंखों में भी एक स्वप्न है कि उनकी चिता को उनका ज्येष्ठ पुत्र अग्नि दे अपकरण के जाने के पश्चात। मैं ये नहीं जानता कि मैं अपने माता पिता को अग्नि दूंगा या तो मेरे पिता मुझे विदा करेंगे। अग्नि वो देता है जिसके चले जाने के पश्चात वो अनाथ हो जाए। और कर्ण के चले जाने के पश्चात मैं अनाथ हो गया हूं, इसीलिए उसे अग्नि देने का अधिकार केवल मेरा है, और मुझसे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। इस संसार को समझा है तब से तुमने मेरा साथ दिया है मित्र, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। हम बहुत शीघ्र मिलेंगे, सुन रहे हो कर्ण? इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ाने नहीं दूंगा तुम्हें। इतनी सरलता से नहीं, यह एक वीर की अंतिम यात्रा का प्रयाण है दुर्योधन, इसे शांति के साथ विदा करें। जेष की आत्मा को कष्ट होगा यदि सब एक साथ अग्नि न दें। ठीक है महर्षि, अपने मित्र की शांति के लिए मुझे यह भी स्वीकार है।
गांधारी पुत्र कर्ण मित्र दुर्योधन अपने मित्र की चिता की सौगंध खाता हूं कि मैं अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। अब ये युद्ध ना इंद्रप्रस्थ के लिए है और ना ही हस्तिनापुर के लिए। अब ये युद्ध है तो केवल मेरे मित्र के प्रतिशोध के लिए। सब समाप्त हो गया माता, सब कुछ। कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। रण के साथ मेरी विजय, मेरा सुख, मेरा स्वप्न सबका अंत हो गया। माँ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपके पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाए, परंतु माँ मेरे 100 भाई मारे गए, 99 वो जो आपके गर्भ से जन्मे और एक वो जिसने मेरे लिए समय के गर्भ से जन्म लिया। मेरा मित्र कर्ण, मैं नहीं रहा माता, माता आपको आपको 100 पुत्रों की माता होने का वरदान मिला था ना माता, तो मुझे सदा 100 भाइयों के भाई होने का वरदान क्यों नहीं मिला माता? समय ने जो छीन लिया उसे लौटाया नहीं जा सकता पुत्र, परंतु जो अब मेरे पास शेष है उसे रहने दो। छोड़ दो ये युद्ध पुत्र, नहीं 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 हिमाता, हिमाता श्री, इस युद्ध में मैं इतना कुछ खो चुका हूं और कुछ पाने की इच्छा भी शेष नहीं। अब यदि कुछ शेष है तो वो है मिटा डालने का संकल्प, उन पांडवों को मिटा डालने का संकल्प। अब ये युद्ध नहीं रुकेगा, और या तो आपका पुत्र जीवित रहेगा और या फिर वो पांडव